दोस्तों आज हम फिर से पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोगों का चल रहा है स्केल, ठीक है ना। और स्केल में दोस्तों हम लोग एक स्केल कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में केवल दो ही स्केल हैं, एक साधारण मापनी यानी कि आपका प्लान स्केल या सिंपल स्केल, और दूसरा है आपका विकर्ण मापनी यानी कि डायगनल स्केल। सो प्लान स्केल जो है दोस्तों टोटली हमने कंप्लीट कर लिया था, और मैंने इसके कई सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए थे डिफरेंट टाइप्स के। सो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड स्केल है यानी कि डायगनल स्केल, राइट। सो डायगनल स्केल पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहचान में भी कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट सेमेस्टर का है सो प्लीज़ उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, राइट, ताकि जो वो स्टूडेंट है दोस्तों अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। हम जो चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा भी अपनी जो स्टडी है बिल्कुल फ्री में करे। सो इसीलिए हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल दोस्तों जो है शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। सो इससे होता ये है कि दोस्तों कम समय में जो हम लोगों के वीडियोज़ हैं वो मैक्सिमम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाते हैं, और इससे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाता है कि स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दोस्तों अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। बस इतना ही हम आपसे चाहेंगे, और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए यार, बस अपने फ्रेंड्स की हेल्प तो आप कर ही सकते हैं। सो इसलिए इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, राइट। चलिए अब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं डायगनल स्केल यानी कि विकर्ण मापनी, ठीक है। सो विकर्ण मापनी क्या होता है अगर हम थोड़ा सा समझें सिंपल स्केल के बारे में तो शायद हमें डायगनल स्केल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हालांकि हम उसको पढ़ चुके हैं बहुत डिटेलिंग में। सो सिंपल स्केल ये था कि हम उसमें दो यूनिट्स को मेजर करते थे, राइट। दो यूनिट्स यानी कि अगर किलोमीटर है तो हेक्टोमीटर के साथ, ठीक है ना, मीटर सेंटीमीटर के साथ, इस तरीके से केवल दो यूनिट्स के बारे में हम बात करते थे। लेकिन दोस्तों जो आज हमें डायगनल स्केल पढ़ना है यानी कि जो विकर्ण मापनी पढ़ना है, इसमें हम लोग तीन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? तीन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिकली मैं पहले वीडियो में आपको दोनों का इंट्रोडक्शन दे चुका था, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो डायगनल स्केल है दोस्तों ये आपका क्या करेगा, तीन यूनिट्स को मेजर करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। देखिए तीन यूनिट्स से अलग अलग, किलोमीटर, हेक्टो और डेका, हो सकता है डेसी दे दे, सेंट्री दे दे, मिली, मतलब तीन तीन का कॉम्बिनेशन आपका दे सकता है, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली, इन सब में से तीन का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है। सो अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाता है सो समझ लीजिएगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, डायगनल स्केल जो है दोस्तों ड्रॉ करना है, राइट। और फिर आपको क्वेश्चन में कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि आपको डायगनल स्केल ड्रॉ करनी है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं या फिर आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं, राइट। सो ये हमारी पहचान होती है डायगनल स्केल को पहचानने की। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों फिर हमें क्या करना होता है कि अपनी स्केल ड्रॉ करनी होती है। सो दोस्तों मैंने बताया था कि स्केल ड्रॉ करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, राइट। सो पहला डेटा तो आपके पास जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होना चाहिए, हिंदी में इसे हम लोग निरूपक भिन्न कहते हैं, ठीक है। ये डेटा हमारे पास होना चाहिए, एक क्वेश्चन में हम लोग गिवन वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं। सो आरएफ निकालने के लिए हमारे पास एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए, और उस एक्चुअल लेंथ को हमने अपने अकॉर्डिंग अपनी ड्राइंग शीट पर या हम कह सकते हैं मैप पर जो हमने शो किया हुआ है वो हमें चाहिए होता है, ठीक है। सपोज आपका कोई एक सड़क है दोस्तों, मान लीजिए एक किलोमीटर का, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी बताया था, ये किसी ना किसी रोड की दोस्तों एक्चुअल लेंथ, मतलब उसकी रियल मीनिंग है, उसका रियल वैल्यू है, अगर हम ये आपका माने, ठीक है। कोई सड़क आपका ए बी है जिसका जो लेंथ है एक किलोमीटर है, मतलब ये उसका रियल का वैल्यू एक किलोमीटर है, ठीक है ना। सो उसे हम एक्चुअल लेंथ कहते हैं, वास्तविक लेंथ। और अगर इसी लेंथ को हमें ड्राइंग शीट में दिखाना है, ठीक है ना, कहाँ, अगर इसी को हम ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो एक किलोमीटर लंबी लाइन तो खींच नहीं सकते, क्योंकि अगर एक किलोमीटर लंबी लाइन खींचने बैठ गए तो पता नहीं कितनी कॉपियाँ कितने पेज भर जाएंगे। सो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि एक किलोमीटर को सपोज हमने मान लिया एक सेंटीमीटर के बराबर। सो अब एक सेंटीमीटर हम ईजिली खींच सकते हैं अपनी ड्राइंग कॉपी में या अपने मैप में, जो भी आप समझें, बेसिकली जो ड्राइंग हम बनाते हैं ड्राइंग शीट पर ही बनाते हैं। सो यहाँ डिस्टेंस ऑन मैप या डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट भी आप बोल सकते हैं, यानी कि जो हमने अपनी ड्राइंग शीट पर दूरी प्रदर्शित करी है, और हमने एक किलोमीटर को प्रदर्शित किया है एक सेंटीमीटर के द्वारा। सो अगर इसकी हम आरएफ निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नक्शे पर प्रदर्शित दूरी, मतलब जो दूरी हमें मैप में दिखानी है सो वो आपकी ऊपर आ जाती है, सपोज यहाँ 1 सेंटीमीटर आ जाएगा,
और वास्तविक दूरी जो एक्चुअल लेंथ होती है, जो उसकी रियल लेंथ है, मतलब जो आपकी क्या है रियल की लेंथ है दोस्तों, वो हम लोग यहाँ शो करते हैं, राइट। एक्चुअल लेंथ, सो एक्चुअल लेंथ इसकी है 1 किलोमीटर, कितनी है 1 किलोमीटर। सो इस तरीके से हम अपनी RF निकालते हैं इसको सॉल्व करके। अब ये हम ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अभी जस्ट करना है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया ना कि RF कैसे निकालते हैं? RF निकालते हैं जो दूरी हमें प्रदर्शित करनी है उसमें भाग दे देते हैं एक्चुअल लेंथ का, उसकी रियल वैल्यू का। सो हमारे पास RF आ जाती है। सो एक डेटा हमारे पास आ जाता है। दूसरा डेटा हमें चाहिए होता है कि जो LOS है, मतलब कि आपकी स्केल की जो लेंथ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। सो वो निकालने के लिए हमारे पास RF होनी चाहिए। सो RF तो हम अभी निकाल चुके हैं, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करना होता है मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी का, ठीक है ना। जो आपकी स्केल है, जो आपकी मापनी है, वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकती है, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, और कभी कभी नहीं भी दिया जाता है, तो फिर उस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट मैं कराऊंगा तो बता भी दूंगा। हालांकि मैंने बताया भी था जब आपको प्लेन स्केल बताया था, ठीक है ना, कि एक आप ऐड कर लीजिए एक्स्ट्रा में, ठीक है। सो उसमें किसी स्टूडेंट्स को दोस्तों कन्फ्यूज़न भी था कि सर एक हम क्यों ऐड करते हैं। सो दोस्तों वो हम इसलिए ऐड करते हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग समझिएगा, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस शो करनी है, राइट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हमारी कोई स्केल है दोस्तों, और स्केल में अगर हमें कोई डिस्टेंस शो करनी है, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो डिस्टेंस आप शो कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपकी स्केल मेजर कर रही होती है। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई डिस्टेंस आपको शो करनी है, मान लीजिए आपको 5 मीटर और कुछ डेसीमीटर दूरी आपको इसमें शो करनी है अपनी स्केल में, सो बेसिकली आपकी स्केल जो मेजर कर रही है वो 5 मीटर और जो आपने कुछ डेसीमीटर माना है इससे अधिक ही होना चाहिए, तभी तो आप स्केल में जो है 5 मीटर और कुछ डेसीमीटर शो कर पाएंगे। सो बेसिकली हम यही करते थे कि 5 मीटर में कुछ ऐड कर देते थे। आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, 5 मीटर की जगह 10 मीटर मान सकते हैं, आप 15 मीटर मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की कोई स्केल है, और अगर आपसे कोई बोलता है कि आप 12 सेंटीमीटर एक बार में मेजर करके बताइएगा, तो क्या बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। यानी कि 10 सेंटीमीटर को कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना पड़ेगा, और उस डिस्टेंस से बढ़ा करके लेना पड़ेगा जो हमें उसमें एक्चुअल में दिखानी है। सो हम क्या करते थे, जो हमें रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस दी होती थी उससे हम कुछ बढ़ा करके ले लेते थे। सो मैंने एक बेसिक ट्रिक बताई थी कि आप एक जोड़ करके बढ़ा लिया करिए, ठीक है। सो आई होप आप ये कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं पर्सनली एक वीडियो इस पर बना दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी आपका डाउट ही खत्म हो जाएगा। चलो छोड़ो इस बात को। तो आपका जो लॉस होगा वो कैसे निकलेगा, मतलब लेंथ ऑफ स्केल, मापनी कितनी लंबी खींचनी है, आपको RF में मल्टीप्लाई कर देना है मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी से। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगी आपको, ठीक है ना, मैक्सिमम तो ये गिवन रहती है, और नहीं भी होती तो कैसे फाइंड करते हैं ये फिर से डिस्कस कर लेंगे। सो RF में इसका गुणा कर दिया, सो आपके पास LOS आ गई, और आपके पास दो डेटा होगा, एक तीसरा डेटा और आपके पास होना चाहिए, आपको दूरी कितनी दिखानी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रदर्शित दूरी, आपको जो आपकी स्केल है उसमें जो दूरी कितनी प्रदर्शित करनी है, यानी रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस आपको कितनी करनी है। सो ये बेसिकली क्वेश्चन में ही गिवन रहता है, और बस इन्हीं 3 डेटा के बेस पर हमारी स्केल ड्रा हो जाती है। सबसे पहले हम LOS का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैक्सिमम जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है उसके बेस पर हम जो एक लाइन ड्रा करते थे ना 90 डिग्री से छोटा एंगल पर, उसको आप लोग डिवाइड करते थे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, इसमें समझिएगा पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को जो है आपको ड्राइंग शीट पर बना करके बताएंगे MD की हेल्प से, ठीक है। सो पहले तो डेटा निकालना सीख लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका प्लेन स्केल के जैसा ही है, कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है, और घबराना भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में बोला गया है 1/50 निरूपक भिन्न की, ठीक है। क्वेश्चन को मैं अंग्रेजी में भी समझा दूंगा, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, जो भी आपके वर्ड आपके इंग्लिश में यूज होने चाहिए वो मैं बता दूंगा, तो नोट कर लीजिए। आपका बोला गया है 1/50 1/50 निरूपक भिन्न की, मतलब RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको दिया है कि एक विकर्ण मापनी खींचो, मतलब एक डायगनल स्केल खींचो जिसमें आप मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर प्रदर्शित किया जाए या आप प्रदर्शित कर सके। क्या क्या? मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर, मतलब 3 यूनिट के बारे में बताया है, तो बेसिकली यहाँ पर आपकी डायगनल स्केल ही होगी, लेकिन पहले से बता दिया उसने कि डायगनल स्केल खींचना है, तो नो प्रॉब्लम। आगे बोला गया है मापनी में यानी स्केल में मैक्सिमम यानी अधिकतम 6 मीटर की दूरी माप सकते हैं, यानी कि स्केल के द्वारा जो मेजर की गई मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपकी 6 मीटर है, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से मिल गई। आगे बोला गया है मापनी पर आप लोग 3 मीटर 6 डेसीमीटर तथा 7 मीटर की दूरी प्रदर्शित करिए, इतनी दूरी आपको रिप्रेजेंटेट करनी है,
कितनी, 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो पहला डेटा हमारे पास होना चाहिए निरूपक भिन्न यानी कि आरएफ। सो आरएफ तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले से निकाल करके दिया है 1/50, सो हमारे पास आरएफ आ गया। दूसरा डेटा हमारे पास होता है लेंथ ऑफ स्केल का। सो एलओएस कैसे निकालते हैं, एलओएस हम लोग निकालते हैं निरूपक भिन्न में गुणा कर देते हैं मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी, मापनी द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी। ठीक है दोस्तों, अधिकतम दूरी। तो अब जल्दी से ढूंढ करके बताइएगा मुझे कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि स्केल के द्वारा मेजर की जा रही है वो कितनी है। सो आर एफ, यहाँ मैं मैक्सिमम डिस्टेंस इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो समझ जाइएगा, नो प्रॉब्लम। आर एफ कितना है आपका, आर एफ 1/50 है। सो 1/50 कर दिया इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि स्केल मेजर कर रही है वो कितनी है, मैक्सिमम 6 मीटर। सो यहाँ मैंने 6 मीटर कर दिया। अब इनकी यूनिट समान करेंगे, इसको सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। सो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 में 600 हो जाएगा, यानी 600 सेंटीमीटर बटे 50 आपका हो जाएगा। ठीक है, सो 1 0 से 1 0 कट दिया और यहाँ से हमने काट दिया, तो ये 12 टाइम कटेगा, ठीक है ना, 12 5 60, तो यहाँ से आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी जो स्केल है वो 12 सेंटीमीटर लंबी खींचने वाली है। ठीक है, सो दूसरा डेटा आपके पास आ गया लेंथ ऑफ स्केल कितना, 12 सेंटीमीटर। तीसरा डेटा मैंने आपको बताया था कि आपको दूरी कितनी दर्शानी है स्केल में, सो आपको दिखानी है 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर, या राइट 7 सेंटीमीटर। तो तीनों डेटा आपके पास आ चुके हैं, बस चलिएगा अब तीनों डेटा की हेल्प से हम लोग चल रहे हैं अपनी ड्राइंग शीट पर, अपने ड्राइंग बोर्ड पर, और फिर सेट करते हैं वहाँ पर ड्राइंग शीट और एमडी को, फिर उसकी हेल्प से हम दोस्तों क्या है आपको डायगोनल स्केल बनाना सिखाते हैं। तो तीनों डेटा आप लोगों को याद रखना है, आपकी आर एफ 1/50, लेंथ ऑफ स्केल आपकी 12 सेंटीमीटर, और आपको दूरी दिखानी है 3 मीटर, 6 डेसीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तीनों डेटा जल्दी से याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डेटा फिर आपको शायद आगे ना मिले। आर एफ 1/50, लॉस आपका यानी लेंथ ऑफ स्केल 12 सेंटीमीटर, और आपको जो दूरी दिखानी है 3 मीटर, 6 डेसीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो चलिए जी दोस्तों जल्दी से चलते हैं आप लोग ड्राइंग शीट पर, राइट। सो देखिएगा दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन 1 का वही डेटा है जो अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, जो डायगोनल स्केल अभी जस्ट मैंने आपके सामने जो दिखाई हुई थी ना, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, सो वही जो डेटा है दोस्तों यहाँ मैंने नोट किया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, एमडी यानी मिनी डॉक्टर की हेल्प से जो है दोस्तों डायगोनल स्केल को बनाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों बेसिकली अगर आपको प्लेन स्केल बनाना अच्छे से आ गया है तो डायगोनल स्केल भी आप बिल्कुल ईजिली बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि 75% पार्ट तो आपका जो है बिल्कुल प्लेन स्केल के जैसा ही होता है डायगोनल स्केल का। ठीक है, सो वही सारे स्टेप रहेंगे, बस लास्ट में एक स्टेप आपको फॉलो करना होता है, थोड़ा सा वो अलग है। ठीक है, सो जब हम प्लेन स्केल दोस्तों बनाते थे तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हमें ज़रूरत होती थी एलओएस की, मतलब लेंथ ऑफ स्केल की, कि जो हमें स्केल बनानी है वो एक्चुअली में कितनी लंबी बनानी है। ठीक है, सो जैसा कि आपका डेटा यहाँ दिया था कि आर एफ है 1/50, आपके पास लेंथ ऑफ स्केल 12 सेंटीमीटर है, राइट, और तीसरा डेटा आपके पास है आरडी यानी कि रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपको आपकी डायगोनल स्केल में शो करनी है वो दी गई है। तो दोस्तों वो है आपके पास 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा था, मतलब मैक्सिमम की गई डिस्टेंस जो मेजर है, ठीक है, वो है आपका 6 सेंटीमीटर। स्केल के द्वारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करी जा रही थी वो है 6 मीटर। ठीक है, तो हमें जरूरत है एलओएस की, तो दोस्तों एलओएस आपकी 12 सेंटीमीटर है। सो आपको करना क्या होगा, जैसे प्लान स्केल में हम एलओएस के बराबर एक लाइन ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जिसकी लेंथ आपकी रहेगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सो चलिए मैं इस लाइन को क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, और आप लोग भी अपनी ड्रॉइंग शीट में ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपका लेंथ ऑफ स्केल जो 12 सेंटीमीटर दिया है उसके बराबर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिए, 0 से आपका 12 सेंटीमीटर तक ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना रहेगा, जैसे हम लोग प्लान स्केल में क्या करते थे, इस लाइन के दोनों सिरों से
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे ऊपर लगभग 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन इसमें दोस्तों हम लोग जो है थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर। सो चलिए दोनों सिरों से हम लोग 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से देखिए मैंने जो है आपका 2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस वाले सिरे से, और यही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी कर देना है, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर देते हैं इसको भी, ठीक है दोस्तों। सो आपका दूसरे सिरे से भी मैंने लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है दोस्तों। ये लाइन हम थोड़ा सा बड़ा इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि अभी आगे चल करके हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है 10, सो वो बहुत नज़दीक ना हो, इसलिए हम अभी से जो है डिस्टेंस ज़्यादा लेकर के चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन्स को यहाँ से मिला देना है, ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको भी मिला देते हैं। सो दोस्तों देखिएगा मैंने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मिला दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था प्लेन स्केल में, वो क्या होता था, हम लोग इस सिरे से एक लाइन ड्रॉ करते थे जो कि यहाँ से 90 डिग्री से छोटे एंगल पर होती थी, यानी कि एक न्यून कोण रेखा हम लोग खींचते थे, यानी कि 90 अंश से छोटे कोण पे। सो चलिए अब आप लोगों को करना क्या है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, राइट। अपनी इच्छा अनुसार आप लाइन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। सो चलिए मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, और दोस्तों ये लाइन आपको फैंट ड्रॉ करनी होती है, ठीक है ना। सो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और यहाँ यूज़ कीजिए एच पेंसिल का, ठीक है। सो देखिए ये आपकी लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इस लाइन के पार्ट करने होते हैं, और कितने पार्ट करने हैं तो वो आपको पता चलता है आपके स्केल के द्वारा मेजर की गई मैक्सिमम डिस्टेंस से। सो मैक्सिमम डिस्टेंस दोस्तों आपके पास है 6 मीटर, यानी कि इस लाइन के आपको 6 इक्वल पार्ट करने हैं। सो अब प्रत्येक पार्ट की डिस्टेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, या फिर आप लोग दोस्तों क्या करिए 2-2 सेंटीमीटर ले लीजिए, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पार्ट की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर डिसाइड करता हूँ, तो यानी कि 6 पार्ट की जो लेंथ हो जाएगी वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। तो यानी कि मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको और हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों क्या करना है, इस पर आपको 12 पॉइंट इस तरीके से बना लेना है, 6 बनेंगे तभी तो ये जो है 12 सेंटीमीटर कवर होगा। तो 4 पर सेकेंड आएगा, और 6 पर ये आपका 3rd हो गया, 4th पर ये 8, ठीक है, और ये 5वां और ये 6वां, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट मार्क कर लेने हैं। चलिए अब मैं आपको इसे और अच्छे से दिखा देता हूँ, यानी कि ये आपका पहला पार्ट हो गया इस तरीके से, और इस लाइन का ये रहा आपका दूसरा पार्ट, ये देखिए तीसरा पार्ट आपका, और फिर ये आपका चौथा पार्ट हो गया, और आपका ये सेकेंड लास्ट 5th, और ये लास्ट आपका 6th पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपका 6वां जो है पार्ट हो गया। तो आपको इस लाइन को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो इतनी प्रोसेस आपकी बिल्कुल प्लेन स्केल की जैसी ही है। अब क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट से इस वाले एंडिंग पॉइंट को मिलाएंगे, और MD को फिर उसी पोजीशन में सेट किए रहना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है MD को, ये आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि बाकी के सारे पॉइंट्स भी इसी लाइन को पैरेलल मानते हुए हमें खींचना होता है। सो इसको खींच दीजिए, राइट, इसको मिला दीजिए इस पॉइंट के साथ, और बिल्कुल फैंट हम लोग मिलाते हैं। और दोस्तों मुझसे थोड़ा सा डार्क इसलिए हो जाता है क्योंकि कैमरे में ये अच्छे से विजुअलाइज नहीं होता है, सो मुझे थोड़ा सा डार्क दिखाना पड़ता है ताकि जब आप इसको समझें तो प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट से, और मैं पेंसिल्स का जो है नेमिंग भी बताता रहता हूँ कि किस पेंसिल से बनाना है, एच पेंसिल से आप इसको बनाएंगे, ठीक है, तो वो अपने आप फैंट ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से इस पॉइंट्स को भी आप मिला दीजिए, इसी तरीके से इस पॉइंट को भी मिला दीजिए, देखिए इसको भी आपको मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपके इस लाइन से मिल चुके हैं, ठीक है। मिलने के बाद दोस्तों अब क्या है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट को वर्टिकली मिलाना है ऊपर की ओर। सो इसके लिए जो आपका MD इस पोजीशन में सेट है, इसको आप 0 पर सेट करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, 0 पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, चलिए ये आपका सेट हो चुका है। अब देखिए, अब आपको इन सभी पॉइंट्स को ऊपर की ओर मिला देना होता है इस तरीके से, देखिए ये पहला पॉइंट से आपका, सो इसको मैं मिला देता हूँ, देखिए पहला पॉइंट आपका मिल चुका है, आपका ये दूसरा पॉइंट। इसी तरीके से आप बाकी के बचे हुए पॉइंट्स को भी मिला दीजिए, सो ये आपका तीसरा पॉइंट है, इसको भी आप इसी तरीके से मिला दीजिए, राइट।
सभी पॉइंट्स दोस्तों उसी तरीके से फॉलो करने हैं जैसे कि हम लोग प्लान स्केल में करते थे, कुछ भी अलग नहीं है, बस लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, थोड़ा सा चेंज है डायगोनल स्केल का, उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर की ओर मिला दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा होता है नेमिंग। तो हम नेमिंग कैसे करते थे, तो ये आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपके स्केल के द्वारा मेजर की जा रही थी उसको हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो हमें 6 मीटर तक लिखना है, तो मैंने बताया था कि एक सिरा हम छोड़ देते हैं पहले से और फिर यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जीरो से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा, ये आपका थ्री हो जाएगा, ये आपका फोर हो जाएगा और ये आपका फाइव हो जाएगा और ये आपका मीटर है, तो इसको हम लोग मीटर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जीरो से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आपको जो मेजरमेंट मिलेगी वो मीटर में मिलेगी। ठीक है, और पूरी स्केल में आपको दोस्तों 6 पार्ट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो प्रत्येक पार्ट जो है दोस्तों 1 मीटर को दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपका 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर और ये आपका लास्ट 6 मीटर। लेकिन जो नंबरिंग होती है हमेशा एक कम रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि आपको मीटर से छोटी कोई डिस्टेंस अगर दिखानी है तो उसके लिए हम एक कॉलम पहले से छोड़ करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेन स्केल में हम करते थे। ठीक है, तो इसकी फिर पार्ट करने के बाद हम अपनी डिस्टेंस शो करते थे। सो इसीलिए आपका क्या होता है, यहाँ एक कॉलम पहले से छोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहां देखकर भी समझ सकते हैं। राइट, सो इतना आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना रहता है, आपको अपना जो दूरी प्रदर्शित करना है उसको देखिए। ठीक है, सो दूरी यहां पर आपका 3 इकाइयों में है, यानी कि 3 यूनिट्स में है। पहला क्या है, 3 मीटर, दूसरा है 6 मीटर और तीसरा है सेंटीमीटर। सो पहले ये सोच लीजिएगा कि आपके पास केवल 2 यूनिट्स हैं, केवल 2 यूनिट्स हैं, इतना सोचिए पहले आप। तीसरी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 7 सेंटीमीटर को आप थोड़ी देर के लिए क्या करिए, छोड़ दीजिए। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है ही नहीं है, तो आपके पास कितना है, आपके पास है दोस्तों 3 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो ये बात तो आपकी प्लान स्केल की जैसी हो गई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 मीटर तो हम दिखा सकते हैं, देखिए जीरो से ये 1 2 3, यानी जीरो से राइट साइड जाएंगे तो हमें 3 मीटर मिल जाएगा। लेकिन जो मीटर से छोटी एक यूनिट आपकी दी है 6 डेसीमीटर, सो ये कैसे मिलेगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम के फिर से आपको क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, पार्ट करने पड़ेंगे। और आपको पता है कि ये पूरा कॉलम 1 मीटर को दिखा रहा है और 1 मीटर जो आपका होता है दोस्तों 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, यानी कि इस कॉलम के आप जो है 10 इक्वल पार्ट कर सकते हैं। सो फिर आपकी जो मेजरमेंट है वो डेसीमीटर में भी आ जाएगी। सो कैसे इसको डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसी पॉइंट से फिर से आपको एक छोटी लाइन जो है नीचे की वो ड्रॉ करनी पड़ेगी और फिर उसके आपको 10 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये बिल्कुल प्लान स्केल के जैसा ही है। पहले रीजन समझिएगा कि ऐसे क्यों करेंगे और फिर आप जो है अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा, तो पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। राइट, ये बिल्कुल अभी हम प्लान स्केल के जैसा ही काम कर रहे हैं, अभी डायगोनल स्केल का हमने जो लास्ट पॉइंट है वो फॉलो नहीं किया हुआ है। सो मैंने क्या किया हुआ, यहाँ से 90 डिग्री से छोटे एंगल पर आपका एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। वो इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस सिरे से लेकर इस सिरे तक की डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन आपकी ऐसे दी गई है और इसके कुछ आपको पार्ट करने हैं तो यहाँ से आप न्यून कोण पर एक लाइन खींचेंगे, फिर इसको इससे मिलाते हुए जितने आपको पार्ट में डिवाइड करना है वो लाइन आपको उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। राइट, सो इसको हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है दोस्तों। ये रफली वर्क है, आप नोट कर लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं, 1 मीटर जो होता है दोस्तों आपका 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। राइट, और ये लास्ट का जो एक कॉलम है आपका वो 1 मीटर का है। सो यानी कि यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, 10 डेसीमीटर बन सकते हैं, यानी एक कॉलम आपका, एक खाना आपका 1 डेसीमीटर को दिखाएगा। सो इसलिए हमें इसके 10 इक्वल पार्ट करने हैं। सो आप क्या करिए, इस लाइन के आप 10 इक्वल पार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि जो 10 इक्वल पार्ट है वो कैसे करते हैं, क्योंकि हमने प्लान स्केल में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीज सीखी हुई है। सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। राइट, चलिए मैं इसके 10 इक्वल पार्ट कर देता हूँ। सो देखिएगा दोस्तों, पूरी लाइन के मैंने जो है 10 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से लाइन भी ड्रॉ की हुई है ताकि आप अच्छे से जो है इसको देख पाएं कि ये 10 इक्वल पार्ट कैसे हैं। आप काउंट भी कर लीजिए
और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा लो हो, क्योंकि मैं क्वालिटी तो अच्छी डालता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग 140 या 260 पर चला रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि थोड़ा सा आप इसको इंक्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इतना तो आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाता है, बट यहाँ थोड़ा सा सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो है आपको हो सकता है ना दिख रहा हो अच्छे से, तो थोड़ा सा आप क्वालिटी डेवलप कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका प्लेन स्केल के जैसा ही 12 मार्क का आता है, ठीक है। या तो आपका प्लेन स्केल एग्जाम में आ जाएगा या फिर आपका ये डायग्रल स्केल आ जाएगा, तो 12 नंबर का सवाल है, इसलिए आप थोड़ा सा डेटा अपना खर्च कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ विजुलाइज हो सके, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप क्या करते थे, जैसे आपने यहाँ से इस लास्ट पॉइंट को इससे मिलाया था ना, इसी तरीके से लास्ट पॉइंट को इस जीरो वाले पॉइंट से आप मिला देंगे और अपने एमडी को एक बार सेट कर लीजिए, जब तक आपके 10 पॉइंट मिल ना जाए तब तक इसको डिस्टर्ब मत करिए, राइट, उसी पोजीशन में आप रहने दीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट को पहले सेट कर लीजिए, तो ये सेट हो चुका है, आप देख लीजिए इस तरीके से, और फिर अपना पेंसिल यहाँ रखा आपने इस तरीके से इस पॉइंट पर और मिला दिया इस पॉइंट्स के साथ, ठीक है, ये जीरो वाला जो आपका पॉइंट है इसके साथ, राइट, इस तरीके से। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट को आप इसी लाइन के पैरेलल मानते हुए सारी की सारी लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है सभी पॉइंट से। तो ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, और ये आपका पांचवा हो गया, ये आपका देखिए छठवा, यहाँ से आगे और मिलाएंगे तो आपको सातवां मिल जाएगा, ये सातवां पॉइंट हो गया, ये आठवां पॉइंट हो गया, ये आपका लास्ट, ये देखिए आपका 10 पार्ट जो है आपका इस तरीके से मिल चुका है, ठीक है। सो इतना करने के बाद अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस है इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। हमें शो करना है 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सो अभी तक की जो प्रोसेस हमने की हुई है वो हमने 3 मीटर और 6 डेसीमीटर मानते हुए की है, ठीक है ना। सो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन अब जो 7 सेंटीमीटर है दोस्तों ये हम कैसे शो करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात है, तो ये समझिए। तो हमें पता है कि हम मेजरमेंट जीरो से पढ़ते हैं, अगर जीरो से आगे जाएंगे तो हमें मीटर मिल जाएगा, ठीक है, और जीरो से अगर हम अब लेफ्ट में जाएंगे, जीरो से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, मीटर नहीं मिलेगा। ये 10 पार्ट क्या किए हमने, डेसीमीटर के किए हैं। तो जीरो से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 10 मिलेगा, लास्ट में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 10 मिलेगा, राइट। सो यहाँ नोट कर दीजिए आप 10 डेसीमीटर, क्या कर दीजिए, 10 डेसीमीटर, ये मेजरमेंट आपकी अब डेसीमीटर में आ चुकी है यहाँ पर। सो ये आपका डेसीमीटर हो गया, 10 डेसीमीटर, यानी कि अब इस स्केल में आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 मीटर और 6 डेसीमीटर शो कर सकते हैं, लेकिन अभी 7 सेंटीमीटर तो बचा हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग दोस्तों इस पर शो करेंगे। सो इसके लिए क्या करेंगे, जो स्केल का ये वाला पार्ट है ना, इस सिरे से इस सिरे तक की जो ये वर्टिकल लाइन है, इसको दोस्तों हम क्या करते हैं कि 10 इक्वल पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखिएगा इस तरीके से एक एक खाना आपका जो बना हुआ है वो 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है, ठीक है, और हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि जो 1 डेसीमीटर होता है वो भी आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि ये उससे और छोटी यूनिट होती है, मीटर से छोटी आपकी डेसी और डेसी से छोटी आपकी सेंटी, यानी कि अगर हम वर्टिकली जो लाइन है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो एक क्या है डेसीमीटर है वो हमारा 10 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा पॉइंट आप याद करेंगे। सो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, फिर आप जैसे इस सिरे से न्यून कोण पर यानी 90 डिग्री से छोटे एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से एक लाइन अब आप इस सिरे से ड्रॉ करेंगे, इस वाले सिरे से, देखिए इस तरीके से आप अपने एमडी को सेट कर लेंगे इस तरीके से, देखिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। सो ये मैंने देखिए सेट कर लिया है इस तरीके से, और इसी से आपको होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस लाइन के आपको दोस्तों 10 इक्वल पार्ट करने हैं। कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 10, क्योंकि आपका जो है 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। सो ऊपर की जो लाइन है अगर उसको आप 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे सो आपका 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर को दिखाएगा, ठीक है। सो अब आपको क्या करना, पहले तो इस लाइन पर 10 इक्वल पार्ट मार्क कर लेने हैं। सो मैं चलिए जल्दी से क्या करता हूँ, इस पर 10 इक्वल पार्ट मार्क कर देता हूँ, बिल्कुल सेम है इसी लाइन के जैसा, ठीक है। और प्लेन स्केल में बहुत सारा हमने ऐसा किया हुआ है तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग कर देते हैं जल्दी से दोस्तों। सो दोस्तों देखिएगा ये लाइन भी आपकी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, और अगर आप चाहें तो इसको काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप काउंट करिए यहाँ से, देखिए पहला पार्ट, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा और दसवा। सो यानी कि अब आप लोगों को 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा।
कैसे डिवाइड होगा, पहले तो आप इस लास्ट वाले सिरे को इस वाले सिरे से मिलाएंगे, जैसा कि हम इस वाले को इससे मिलाते थे ना, इसी तरीके से इस वाले को इस पर मिलाएंगे। और बिल्कुल आपको दोस्तों क्या करना है, एक बार अपने एमडी को सेट कर लेना है, जब तक 10 पॉइंट्स आप नहीं मिला देते तब तक आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो ये मैंने सेट कर लिया है और देख लीजिए इस तरीके से आपको सभी पॉइंट्स को मिला देना है दोस्तों। इस तरीके से देखिए ये पहला पॉइंट्स आपका मिल चुका है, इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को भी मिला दीजिए और एमडी अपना उसी पोजीशन में सेट करिए। ये दूसरा पॉइंट आपका मिल चुका है। सो इसी तरीके से दोस्तों तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवे को, छठवे को, सातवें को, आठवा, नौवा और दसवां सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए आप इस लाइन तक, इस वाली वर्टिकल लाइन तक ही मिलाना है। सो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आप सभी पॉइंट्स को मिला देता हूँ जल्दी से, ठीक है ना दोस्तों। सो मैंने सभी पॉइंट्स को सीधा बिल्कुल वर्टिकली इस लाइन पर मिला दिया है। लेकिन आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप जब इस लाइन के पार्ट करते थे और पार्ट करने के बाद इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाते थे, फिर सेकंड पॉइंट को भी, लेकिन फिर आप वर्टिकली लाइन ऊपर ड्रॉ करते थे, लेकिन इस बार आपने क्यों नहीं की? तो बिल्कुल आप कर सकते थे दोस्तों, लेकिन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए अभी जो आपको इस लाइन पर पॉइंट्स मिले हुए हैं ना, ये जो वर्टिकल लाइन आपके पास आई हुई है, ये वाली वर्टिकल लाइन, इस पर आपको 10 पार्ट मिले होंगे। सो इन 10 पार्ट्स को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर इस तरीके से मिलाते हैं बिल्कुल 10 के 10 पार्ट्स को, यहाँ लास्ट लाइन तक, यहाँ से यहाँ तक लास्ट लाइन तक क्या करते हैं हम इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो ये बॉक्स आपका पहले से फिल हो जाता है और कोई ज़रूरी भी नहीं होता इसको वर्टिकली मिलाने का, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है आपका। आप क्या करते हैं, यहाँ जो लास्ट पॉइंट होता है ना आपका, यहाँ देखिए 10 से लेकर के जो 0 तक का मेजरमेंट है आपका, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स को ही आप इस लास्ट पॉइंट से मिलाएंगे। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकली नहीं मिलाते हैं। सो अभी आप प्रोसेस समझते जाइएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या करना है दोस्तों, इन पॉइंट्स को बिल्कुल सीधा आपको इस लाइन से मिलाना है, लास्ट लाइन से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एमडी को इनिशियल पोजीशन में लाना पड़ेगा। सो ये देखिए हमने इसको इनिशियल पोजीशन में ला दिया, 0 पर बिल्कुल सेट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इस लाइन पर जो आपका पहला पॉइंट है उस पर लाइएगा और वर्टिकली लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए यहाँ तक, ठीक है। सो चलिए मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ और इसी तरीके से सभी पॉइंट्स की लाइन को आपको ड्रॉ कर देना है। सो देखिएगा ये पहली लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट से भी लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सो दूसरे पॉइंट से भी लाइन को ड्रॉ कीजिए जल्दी से, ये आपके दूसरे पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों तीसरे, चौथे, पांचवें और जो आपके लास्ट तक के पॉइंट है सभी से आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे आपको एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सो एमडी की हेल्प से आप इन सबको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं सारा का सारा आपको एक बार में शो करके दिखा देता हूँ। सो देखिएगा दोस्तों, मैंने इस लाइन पर जितने भी पॉइंट देखे थे उन सभी से बिल्कुल सीधी लाइन आपकी आगे की ओर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। लेकिन एक मेजरमेंट आप शो कर लीजिएगा कि आपका जो यहाँ 0 से 10 तक का जो पार्ट था वो आपका डेसीमीटर को दिखा रहा था, तो डेसीमीटर लिख दिया। फिर हमने ऊपर वाली वर्टिकल लाइन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ 10 से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी, यहाँ 10 से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो अब आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी। सो यहाँ आप लोग सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या लिख दीजिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए। चलिए मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपकी मेजरमेंट है वो नोट कर दी है, 10 डेसीमीटर। आप लोगों को समझ में आ गया ना, 0 से लेकर 10 तक का मतलब क्या है आपका, 1 मीटर के 10 पार्ट और वो भी डेसीमीटर में। और यहाँ 10 से लेकर यहाँ 10 तक का मतलब क्या है, 1 डेकामीटर का जो पार्ट है, डेसीमीटर का जो पार्ट है उसके आपके 10 सेंटीमीटर, राइट। ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, एक एक सेंटीमीटर के आपके 10 पार्ट हैं, ठीक है। सो इसलिए 1 डेसीमीटर में आपके 10 सेंटीमीटर आ गए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपका यहाँ से बिल्कुल अलग स्टेप फॉलो हो रहा है, ठीक है, डायगोनल स्केल को ड्रॉ करने के लिए। अब आप जो यहाँ से ये लाइन वर्टिकली पहले ड्रॉ कर देते थे ना, यहाँ से भी वर्टिकली सीधे ये सारे पॉइंट्स को आप ऊपर वर्टिकली मिलाते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको करना क्या होगा, जो आपका यहाँ से लास्ट पॉइंट से पहले जो पॉइंट है, लास्ट का ये 10 वाला और 10 से पहले जो पार्ट है आपका, देखिए लास्ट पॉइंट आपका 10 है और 10 से पहले जो आपका 9 होगा ना, 9 नंबर का पॉइंट, उस 9 नंबर के पॉइंट को आपको मिला देना है इस वाले 10 से, यानी इस कोने से। ये आप काउंट करेंगे तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो 9 नंबर का पॉइंट है उसको मिला देना है आपको इस वाले कोने से, इस वाले कोने से, ठीक है। सो उसके लिए एमडी लीजिए, एक बार सेट कर लीजिए, फिर आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो है उसी लाइन के पैरेलल जो है दोस्तों ड्रॉ होते जाएंगे। तो इसको आपको सेट कर लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से,
ये देखिए पॉइंट आपका जो है इस तरीके से सेट हो गया। अब इसको मिला दीजिए आप लोग, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है इसको, सो इसको इस तरीके से मिला दीजिए इस वाले कोने से। देखिए मैंने मिला दिया है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। बस अब इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को भी मिला दीजिए इसी लाइन को पैरेलल मानते हुए। ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका यहाँ देखिए तीसरा आ गया, ये आप लोगों का चौथा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलाते जाना है सारे पॉइंट्स को। ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया, ये आपका छठवा पॉइंट हो गया, ये आपका सातवा पॉइंट, इसी तरीके से आठवें पॉइंट को। और प्लीज़ क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़ा वाला मशीनरी काम हो रहा है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स को। देखिए अब आपको करना क्या रहेगा कि आप यहाँ सेकेंड पॉइंट तक आ चुके, तो अब जीरो पॉइंट से भी आपको जो है एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जीरो पॉइंट से भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है इस तरीके से। सो देखिए मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया आगे की ओर, ठीक है ना। इतना आप लोगों को कर लेना है, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए इतना हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि क्या किया हमने, कुछ नहीं किया था, सारी मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक शो करी थी, जीरो से 1, 2, 3, 4, 5 मीटर में, बिल्कुल प्लेन स्केल के जैसा। इसके बाद हमें ज़रूरत थी डेसीमीटर की, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक मीटर का पार्ट था उसके 10 पार्ट कर दिए, तो हमें डेसीमीटर मिल गया। अब हमारे पास सेंटीमीटर भी चाहिए होता था, तो सेंटीमीटर हमारे पास नहीं था, तो फिर हमने ऊपर जो वर्टिकली लाइन थी उसके भी 10 इक्वल पार्ट किए, और उस लाइन पर हमें क्या हुए 10 पार्ट मिल गए, और फिर हमने उन सभी पॉइंट्स को वर्टिकली यहाँ सीधा मिला दिया, बिल्कुल सीधा, ठीक है ना। सो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो एक पार्ट था एक डेसीमीटर का, वो भी हमारा 10 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया, ठीक है। सो अब हमें क्या है इस स्केल पर एक मौका मिल गया तीनों की तीनों मेजरमेंट को शो करने का। सो पहली मेजरमेंट है आपकी 3 मीटर। सो 3 मीटर का मतलब दोस्तों यहाँ से क्या है, जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से 1, 1 से 2, 2 से 3। मेजरमेंट कैसे पढ़ना है अच्छे से देख लीजिएगा, मेजरमेंट है आपकी 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर कैसे शो करेंगे, अगर जीरो से आप राइट साइड जाएंगे तो आपको मीटर मिलेगा, तो जीरो से ये 1, 1 से 2, 2 से ये 3 हो गया, ठीक है। सो पहले तो आप अपने एम डी को जो है अपनी इनिशियल पोजिशन जीरो पर सेट कर लीजिएगा। सो ये मैंने इसको पहले तो जीरो पर सेट कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ से देखिए 1, 2, 3, तो 3 आपका यहाँ आता है, तो आपको 3 मीटर पर एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर दे रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ध्यान दीजिए आप लोग, आपको 6 डेसीमीटर शो करना है। तो 6 डेसीमीटर के लिए क्या करेंगे, जो 0 से 10 तक के आपके 10 डेसीमीटर के पार्ट है, मतलब 1 मीटर के 10 डेसीमीटर, सो काउंट कर लीजिए यहाँ से, देखिए 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको 6 डेसीमीटर दोस्तों शो करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट यहाँ से काउंट कर लेंगे, देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इस पॉइंट पर आपको आकर के स्टॉप हो जाना है, ध्यान दीजिए, और क्वालिटी नहीं बढ़ाई तो यार प्लीज़ बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। इस पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं, अब हमें शो क्या करना है, शो करना 7 सेंटीमीटर। आप वहाँ देखिएगा, क्योंकि मैं पेंसिल की पोजीशन नहीं हटा सकता, वरना आप फिर से कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको 7 सेंटीमीटर और शो करना है, तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर की ओर काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, इसी लाइन पर आप ऊपर की ओर काउंट करना स्टार्ट कर देंगे 7 सेंटीमीटर को। तो इससे हम बढ़ेंगे, देखिए यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी इंक्लाइंड लाइन पर आपको काउंट करना शुरू कर देना है। हम लोग इस पर थे, हमें 7 सेंटीमीटर शो करना था, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आप लोगों को यहाँ एक पॉइंट्स मिल गया, उस पॉइंट्स पर आपको स्टार बना देना है, ठीक है ना। यानी कि ये वाला पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर आपको स्टार बना देना इस तरीके से, और इसी लाइन के जो आपका बिल्कुल सीध में लाइन है, देखिए ये वाला जो लाइन है, देखिए इसी पॉइंट्स के सीध में जो लाइन है आपका ये वाला देखिए ये, इस पर भी आपको एक स्टार बना देना इस तरीके से, इस लाइन की जो बिल्कुल सीध में है स्टार बना देना है। यानी कि आप यहाँ तक थे केवल 3 मीटर तक, तो यहाँ से स्टार बना दिया, इसको यहाँ से आप मिला देंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को आप क्या कर रही है दोस्तों, मिला दीजिए, देखिए इस तरीके से मिलाएंगे हम लोग।
इन दोनों पॉइंट्स को मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया है ताकि आप लोग जो मेजरमेंट है अच्छे से देख सके, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे आप दोस्तों, इसी पॉइंट से ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिससे आपको एक्सटेंशन लाइन मिल सके इस पॉइंट से ऊपर की ओर, ठीक है, क्योंकि अब हमें डायमेंशनिंग भी करनी है, सो इसलिए इसको ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। कुछ इस तरीके से बढ़ा दीजिए इसी पॉइंट से, देखिए इसी पॉइंट से आपको इस तरीके से लाइन बढ़ा देनी है, ठीक है ना। और इसी तरीके से इसको भी बढ़ा देंगे तो ये यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए इस पॉइंट से बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपका जो मेजरमेंट है वो कितना आ गया, 3 मीटर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि सॉरी 6, 3 मीटर 6 डेसीमीटर और सेंटीमीटर कितना 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 0 से राइट पढ़ेंगे तो मीटर मिल जाएगा और 0 से लेफ्ट पढ़ेंगे तो डेसीमीटर मिल जाएगा और यहाँ से ऊपर की ओर पढ़ेंगे तो आपको सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ से एरो हेड बना देना है इस तरीके से, और क्या करना है आपको, अपनी डायमेंशन यहाँ शो कर देनी है। तो इस तरीके से एरो हेड बना दीजिए यहाँ पे और जो आपकी मेजरमेंट है वो आप लोग शो कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने जो है आपका डायमेंशनिंग लाइन शो कर दिया, और अब आप एरो हेड बना देंगे और बीच में अपनी मेजरमेंट शो कर देंगे। सो देखिए दोस्तों, मैंने एरो हेड भी बना दिए और आपकी जो मेजरमेंट थी वो भी मैंने शो कर दी है। कितनी थी, 3 मीटर थी आपकी और 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए इसको, कितनी है दोस्तों आपकी, आपकी जो मेजरमेंट है वो है 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हमने ये शो कर दी, और मैंने बताया था इसके ऊपर हम लोग अपनी आर एफ को लिखते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो आर एफ आपका कितना है, आर एफ है आपका 1/50, ठीक है, 1/50 था। सो वो मेजरमेंट मैंने यहाँ पर जो है लिख दी है, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको दोस्तों लेंथ ऑफ स्केल शो करनी है, तो लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी थी, देखिए 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन खींचिए इस पॉइंट से, ये देखिए ये आपका एक्सटेंशन लाइन हो गया। इसी तरीके से इस सिरे से भी एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, सो ये दूसरी एक्सटेंशन लाइन हो गई इस तरीके से। और यहाँ आप लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये एक होगी आपकी डायमेंशनिंग लाइन, और इसी तरीके से यहाँ पर भी, और यहाँ बीच में आप नोट कर देंगे कितना है दोस्तों आपका 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल जो है LOS वो है आपका 12 सेंटीमीटर। और यहाँ अब आप एरो हेड बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। सो ये आपका फाइनली क्या है, स्केल आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है आपका डायगोनल स्केल, ठीक है। जो 75% पार्ट है आपका बिल्कुल प्लेन स्केल के जैसा है, बस तीसरी मेजरमेंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर जो है पार्ट को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इस वाले सिरे से हम 10 इक्वल पार्ट करते हैं, फिर आपका सीधा वर्टिकली लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो ये जो एक पार्ट होता है आपका, जैसे यहाँ डेसीमीटर था तो वो आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। और फिर आप लोगों को सारा पॉइंट अच्छे से याद हो भी गया होगा, ठीक है ना। सो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा अगर अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, और अभी हम 3 से 4 क्वेश्चन और करेंगे इसी डायगोनल स्केल पर, तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो जस्ट ये पहला क्वेश्चन है। सो फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये समझ में आया भी है या नहीं आया है। वैसे है तो बहुत ही ईजी, और प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ का जब पार्ट आप समझने लगे तो प्लीज़ वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डेवलप कर लीजिएगा, तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। सो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ यार जरूर शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।